हे एवरीवन, आई एम पूजा नेगी। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। आई विश फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सो 2022 ख़त्म हो गया है, 2023 स्टार्ट हो चुका है और आई थिंक 2023 की ये फर्स्ट वीडियो होगी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो बनाई नहीं जब से 2023 स्टार्ट हुआ है। मैं पुरानी वीडियो को ही एडिट करके डाल रही थी। यू ऑल नो कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी कुछ दिनों से, बट नाउ आई एम फीलिंग गुड। नाउ आई होप अभी तक जितने भी दिन गुजरे हैं इस 2023 के, वो बहुत अच्छे गुजरे हों। और आई विश आने वाले दिन जो अब आएंगे, आई विश वो भी आप लोगों के बहुत अच्छे जाएं। जैसे कि मैंने बताया, मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी, तो मैं घर से ही कॉलेज के लिए जा रही थी। तो ये वीडियो में आपको मैं अपने पूरे वीक में क्या क्या हुआ वो सब कुछ शेयर करूँगी। ब्लड स्मेयर बनाना, डाइसेक्शन, PCT सब कुछ हुआ इस हफ्ते में, तो मैं सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। सो यहाँ हमने सब फर्स्ट टाइम खुद को प्रिक किया और थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत थी। और ये प्रिक करने के बाद ब्लड निकला। हम सब फर्स्ट टाइम ब्लड स्मेयर बना रहे थे ना, इतना कुछ आइडिया हमें था नहीं और टीचर्स ने बहुत अच्छे से समझाया, तो समझ आ गया सब। तो इसमें मैंने ना सारा प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरीके से ब्लड स्मेयर बनता है। सो ये है मेरी क्लासमेट और इसको प्रिक करने में थोड़ा डर लग रहा था, तो मैंने प्रिक कर दिया। और जो सैम्पलिंग के लिए ब्लड लिया जाता है ना, वो या तो रिंग फिंगर से लिया जाता है या मिडल फिंगर से लिया जाता है, बाकी किसी भी फिंगर से नहीं लिया जाता, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बाकी फिंगर्स का जो फेशिया होता है वो ऊपर तक स्प्रेड होता है, इन फिंगर्स का नहीं होता है। तो अगर इन्फेक्शन बाई चांस अगर हो भी जाता है किसी भी तरीके से, तो वो ज़्यादा एरिया पर ना फैले, इसलिए ये पहले से ही ये प्रिकॉशंस ली जाती है कि रिंग फिंगर या मिडल फिंगर से ही सैंपल लिया जाए। तो इसके बाद मैंने अपने सैंपल को ड्राई होने के लिए रख दिया है। देन उसके बाद माइक्रोस्कोप को सेट किया और अपनी स्लाइड को उसमें सेट किया और RBC WBC कुछ भी दिख रहा है वो देखा कि वो कैसे दिख रहा है। पहले 10x पे उसको फोकस करते हैं, उसके बाद 40x पे, देन 100x पे करने के भी एक प्रोसीजर होता है। सो ये सारा प्रोसीजर करके हमें बहुत अच्छा लगा। सो जो मेरी स्लाइड थी वो कुछ ऐसी दिख रही थी, इसमें ज़्यादातर RBCs थी दिख रहे थे, और ये जो सेकेंड नंबर पे थी वो किसी और की स्लाइड थी, वो बहुत अच्छी बनी थी, उसमें न्यूट्रोफिल्स भी दिख रहे थे। और वो जो भीड़ आपको दिख रही है ना, वो वहीं लगी हुई है जहाँ बहुत अच्छा न्यूट्रोफिल्स एंड RBCs दिख रहे हैं। सो शार्प्स को डिस्पोज करने के लिए अलग से कंटेनर होता है, इसी में अपनी नीडल्स को डिस्पोज किया जाता है। और ये है मेरी जो डाइसेक्शन किट है उसकी अनपैकिंग। सो ये मैंने ली थी क्योंकि नेक्स्ट डे से हमारा डाइसेक्शन होने वाला था, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया। तो इसमें सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जो यहाँ डाइसेक्शन में यूज़ होते हैं। सो बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट समथिंग जो आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मैं बात कर रही हूँ दिशा पब्लिकेशन की न्यू बुक जो कि है NTA NEET UG चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 1988 से लेके 2022 तक के सारे सॉल्व पेपर हर चैप्टर वाइज दिए होंगे इसमें। इस बुक के इस न्यू एडिशन की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी है पता है? इसमें क्या है ना कि आपको जो कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, हर एक क्वेश्चन के नीचे ये बताया हुआ है कि ये NCERT के किस पेज से है और ये किस ईयर में आया हुआ है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आखिर पूछा कैसे गया है और कि कहाँ से पूछा गया है, NCERT बेस्ड है होता है या नहीं होता है नीट का पेपर, या आपके जितने भी डाउट है ना, तो ये बुक आपको क्लियर करवाएगी। ये बताती है उसमें नीचे से कि ये किस पेज से आया हुआ है ये क्वेश्चन और किस ईयर में आया हुआ है। सो ये बात तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है इसमें, वैल्यू एडेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बीच बीच में हर एक क्वेश्चन के या दो तीन क्वेश्चन के बाद, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो नोट्स दिए गए हुए हैं बीच में, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। सो इस बुक में आपको 1988 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, वो सब आपको मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज की जिस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन जिस ईयर में बना है उस हिसाब से ही उन्हें दिया हुआ है। चैप्टर वाइज एनालिसिस भी की हुई है, सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स जो जो इम्पोर्टेंट है इन्होंने सब बताए हुए हैं। इस बुक में आपको LLS सॉल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन मिलेगा और आंसर की NTA से वैलिडेटेड होगी, NTA ने जो भी आंसर की रिलीज की थी उससे ही मैच करती हुई हर एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस बुक में। सो बात आती है कि ये किस लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है,
तो खुशी की बात यह है कि ये जो बुक है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज जो आपको प्रेफर करते हो, आप जिससे आपको समझ में आता है वो इससे ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दूंगी अमेजोन और फ्लिपकार्ट जहाँ पर ये बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप उस पर क्लिक करके अपनी बुक को परचेज कर सकते हो। क्योंकि बुक में सारे के सारे ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा मीडियम है ये बुक। मेरे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर क्लिक करो, चाहे आप अमेजोन से लेना चाहते हो या फ्लिपकार्ट से, किसी से भी ले सकते हो। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सो नेक्स्ट डे हमें कैडेवर दिखाया गया, डाइसेक्शन स्टार्ट हुआ हमारा। सबसे पहले हमने कैडेवर एक जो ओथ होती है वो ली। तो जब मैं वो ओथ ले रही थी ना, तो मैं थोड़ी बहुत इमोशनल थी अंदर से, मैं बाहर से शो नहीं कर रही थी। वैसे तो डॉक्टर को बोलते हैं कि इमोशनल नहीं होना चाहिए, बट होता है यार पहली पहली बार कोई एक्सपीरियंस लेना, तो मुझे थोड़ा ऐसा अंदर से फील हुआ। और ये थी हमारी कैडवरिक ओथ, मतलब ये तो इंग्लिश में है लेकिन हमने हिंदी में ली थी। बात करें अगर मेरे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की, तो मैं ना थोड़ी देर तक सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगने लग गया। अजीब सा तो नहीं बोलूँगी, बट ऐसा हो गया ना कि मैं ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं डिहाइड्रेट हो रही हूँ और खड़ी होने की हिम्मत नहीं आ रही थी मेरे अंदर। तो मैंने पानी पिया और थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया, नॉर्मल। थोड़ी देर बाद मैं उस एनवायरमेंट में अडेप्ट कर गई। फिर आई फील कि इतना आसान नहीं होता अपनी बॉडी को डोनेट कर देना, और इंडिया में तो खासकर, क्योंकि इंसान तो चला जाता है और उनके पीछे से उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है उन्हें खुद नहीं पता होता है। ये सब जान के भी अपनी बॉडी को डोनेट कर देना मेडिकल के बच्चों के लिए, मेडिकल प्रोफेशन के लिए, कि इससे वो अपनी नॉलेज बढ़ाएं और आगे चल के सोसाइटी को सर्व करें, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो हम बस इतना कर सकते हैं कि उन्हें पूरी रिस्पेक्ट करें जो वो डिजर्व करते हैं। पूजा के वीडियोस में क्यूट होता है। ओके थैंक यू। मेरे पापा भी देखते हैं। अच्छा, इसी बहाने निदा को उसके पापा भी देख लेते हैं कि ये क्या कर रही। सो बात आती है अगर बॉडी को प्रिजर्व करने की, तो वो होती है इम्बाल्मिंग प्रोसेस। तो उसके थ्रू बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉर्मेलिन को आरटी को कट करके उसमें इंजेक्ट किया जाता है, और बॉडी इससे लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रहती है। और बॉडी से जो स्मेल आती है ना, तो वो इसी फॉर्मेलिन की आती है। सो अब जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको इम्बाल्मिंग का मतलब पता होगा। मैंने किसने किसने और मैंने इंसिजन नहीं किया, मेरा रोल नंबर 75 है। करोगे करोगे? 52 तक ही हुआ है, पता नहीं हमारा कब आएगा। आ जाएगा, आज हमने पेक्टोरल रीजन में पेक्टोरिस मेजर फसल देखी और हमारे एक साथ ही घायल हो गया। ये मेडिको दूर से दिखते हैं अच्छे बस। पूछ कल क्या है? कल हमारा पीसीटी है, पहला पीसीटी। उसमें क्या होगा हमें भी नहीं पता। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो बता दिया, बाकी 9 तो पता नहीं क्या होगा। मतलब 4 नंबर हमें मिल जाएंगे और 25 नंबर हमें चाहिए होते हैं पास होने। मेरे 4 भी हैं, पता नहीं 4 भी आने वाले हैं। नहीं, डायग्राम वगैरह बना लेंगे ना। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन? मुझे क्यों नहीं पता ये क्वेश्चन के बारे में, कहाँ से मिल रही है खबरें? मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला। ओह, वो आने वाला है वो तो। हाँ, वो तो मैं उस दिन आई नहीं थी कॉलेज, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी ना। और उसके अलावा क्या आएगा ना, वो हमको भी नहीं पता। सो अब बारी आती है पीसीटी के लिए पढ़ने की। तो ये है मेरी जनरल एनाटॉमी की बुक। ये सिर्फ हैंड बुक है, इसको देख के आप ये मत सोचिए कि इतनी ही छोटी बुक्स मिलेंगी। बहुत ही बड़ी बड़ी और मोटी मोटी बुक्स होती है एमबीबीएस के लिए। तो इसको देख के आप ये आइडिया मत लगाना कि इतनी छोटी बुक्स मिलेंगी। सो पीसीटी का मतलब होता है पार्ट कम्प्लीशन टेस्ट। तो हमारी जनरल एनाटॉमी जो थी वो कंप्लीट हो चुका है वो पार्ट, तो इसलिए हमारा पीसीटी हो रहा था एनाटॉमी का। और असली पढ़ाई तो टेस्ट के एक दिन पहले ही होती है ना, तो मैं लगी हुई हूँ अपने टेस्ट की तैयारी करने में। और हाँ, मेरे को ना आप सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात भी करनी थी। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दी आपके जो यूट्यूब चैनल का नेम है उससे उस वैसी वीडियोस नहीं आती हैं, इसमें आप चेंज कर दो अपना नेम, या बहुत सारे हेट कमेंट्स भी करते हैं। कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है या उनका तरीका है किसी भी चीज़ को देखने का। मतलब ठीक है, उनकी मर्ज़ी वो जो भी बोले। लेकिन क्या है ना कि सिर्फ नीट के लिए स्ट्रेटजीज बता देना ही एक स्टडी नहीं होती, अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो आपके अकॉर्डिंग क्या है। तो मैंने, अगर आप मेरे अबाउट सेक्शन में भी जाओगे, तो मैंने उसमें लिखा है कि मैं स्टडी से रिलेटेड और जो मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है
उनसे रिलेटेड अगर मुझे जो भी मैंने सीखा है आगे आने वाले टाइम में मैं सीखूंगी वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरे लिए वो सब कुछ नॉलेज में काउंट होता है। आई डोंट नो आपके लिए वो काउंट होता है या नहीं होता है, और आई थिंक मेरी सारी वीडियोस आपको कुछ ना कुछ सिखाती ही होंगी क्योंकि मैं बीच में बहुत कुछ बोलती रहती हूँ अपनी गॉसिप्स में, कभी नहीं छोड़ती अपनी बकबक बहुत बोलती हूँ मैं वीडियोस में। पर्सनली अगर मैं आपसे मिलूँगी ना मैं इतना सब कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी आपसे, लेकिन ऐसे कैमरे के पीछे से कि मेरे को कोई लोग देख रहे हैं ऐसे शेयर करना मेरे लिए ईजी रहता है। आप जिस तरीके के वीडियोस बोल रहे हो हाँ उस तरीके की भी वीडियोस आएंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके के वीडियोस भी आएंगी मेरे चैनल पे। और आई थिंक अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो मेरे को बोल रहे हैं कि आप ऐसे वीडियोस क्यों डाल रहे हो या ये वो गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आपका नज़रिया है चीज़ों को देखने का। देखो सिंपली अगर कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है ना तो सीधे उसको इग्नोर करो, क्यों अपनी लाइफ में इतनी टेंशन लेनी है ना। और मेरी वीडियोस डालने का ये कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता कि मैं किसी को परेशान कर दूं। अगर आपको मेरी वीडियोस परेशान कर रही है तो सिंपली आप इग्नोर कर सकते हो। और ये सब लोगों के लिए नहीं था, आई नो बहुत सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके कमेंट सेक्शन पढ़ के ना तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। अभी मैं डाउन फील करती हूँ ना मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और मैं खुश हो जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, एंड आई होप कि मैं जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो मैं उतनी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ, और मैं कंटिन्यूसली ट्राई करती रहूंगी कि मैं और भी ज्यादा अच्छी चीजें आपके लिए लाऊं। पीसीटी के पहले का हॉस्टल का माहौल ये देखिए बच्चे। स्टैंडर्ड अरेंजमेंट ऑफ फोटोग्राफ मेटा पेज ये सो ये है पीसीटी हो जाने के बाद का माहौल हमारे कॉलेज का। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय।